नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे सोते जागते हुए का एक मजेदार किस्सा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यापारी था। उस व्यापारी का एक बेटा था जिसका नाम भूषण था। माँ बाप का बड़ा लाडला था, क्योंकि इकलौता था। बाप अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करता था। अभी लड़का जवानी हुआ था कि उसके बाप की मौत हो गई। अब भूषण एक बड़ी जायदाद का मालिक बन गया, क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद सारी जमीन जायदाद का मालिक भूषण ही बनना था, क्योंकि वह इकलौता बेटा था। अब तो भूषण खूब मजे की जिंदगी गुजारने लगा। खुशामदी और मतलबी दोस्तों ने उसकी दौलत का खूब फायदा उठाया और अलग अलग बहानों से भूषण को लूटने लगे। ऐसे ही करके धीरे धीरे भूषण का सारी धन दौलत जाती रही। अब भूषण के पास कुछ नहीं बचा। माँ ने उसे पहले खूब समझाया था, बेटा ये दोस्त अब मौका परस्त होते हैं। उन पर जो कुछ तुम रुपए लुटा रहे हो, कल वे तुम्हारी और मुंह फेर कर भी नहीं देखेंगे। जब तक तुम्हारे पास धन दौलत है, तब तक ही वह तुम्हारे मित्र हैं, क्योंकि मतलबी मित्र जब तुम्हारे पास धन दौलत नहीं रहेगा तो तुरंत मुंह फेर लेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, लेकिन भूषण अपनी माँ की कोई बात नहीं मानता था। और माँ की बात वो एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता था। मगर अब भूषण के पास जमीन जायदाद धन दौलत कुछ नहीं रहा, तो उसके मतलबी दोस्त भी ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सिंह गायब हो जाते हैं। अब भूषण को एहसास हुआ कि उसे रुपए लुटने का इतना दुख नहीं था जितना उसके दोस्तों की बेवफाई का दुख था। वह सोचने लगा, रुपया पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन मतलबी दोस्तों की पहचान तो हो जाती है समय पर। दुख के समय में अपने पराए की पहचान होती है। अब उसकी माँ ने जब भूषण को दुखी देखा तो वह कहने लगी, बेटा अब दुखी होने से कोई लाभ नहीं है, जो होना था हो चुका बेटा। अगर मेरी बात मानते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, लेकिन तुमने तो मेरी एक बात नहीं सुनी, इसीलिए तो ये दिन देखना पड़ा है। तुम फिक्र मत करो बेटा, मेरे पास कुछ जेवर है, तुम इन्हें बेचकर कोई अपना काम धंधा शुरू कर दो। लेकिन खबरदार बेटा, अब किसी मतलबी दोस्त इंसान को दोस्त बनाया। तो भूषण ने अब ऐसा ही किया, उसने अपनी माँ की बात मान ली और अपनी माँ के जेवर बेचकर उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। लेकिन अब जो भूषण था, उसे फिर से दोस्तों से मिलने की पुरानी आदत थी, वो मजबूर होने लगा। दोस्तों से मिलने के लिए उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं दोस्तों के बिना तो मैं नहीं रह सकता। तब माँ ने कहा, चलो ठीक है बेटा, अगर तुम दोस्तों के बिना नहीं रह सकते तो मेरी एक बात मानो, रोज एक नए दोस्त के साथ अपना समय गुजार लिया करो। एक बार किसी दोस्त के साथ बैठकर खाना खा लेने के बाद दोबारा उसके साथ ना तो खाना खाना और ना ही उसे अपने घर बुलाना। मतलब ये है कि दोबारा उससे कोई वास्ता नहीं रखना बेटा। तो भूषण ने सोचा कि यहीं के दोस्तों के साथ तो ऐसा कर नहीं सकता कि उनसे मतलब ना रहे, इसलिए उनके साथ मेरा दोबारा मिलना ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ कस्बे में आने वाले नए मुसाफिरों में से हर रोज किसी ना किसी एक को घर ले आया करूँगा, उसको खाना खिलाकर सुबह विदा कर दिया करूँगा। ये सोचकर भूषण शाम को कस्बे से बाहर बने एक पुल पर जा बैठ गया
और जो मुसाफिर उसे आता दिखाई देता उसे अपने घर ले आता, उसे खाना खिलाता, घर में सुलाता, उससे खूब बातें करता और सुबह उसे विदा कर देता। एक दिन वो रोज की तरह पुल पर ही बैठा हुआ था, किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब उसके साथ नए मुसाफिर आते थे, काफी बातें करते थे। ना तो उसे दोस्तों की कमी महसूस होती और हर रोज एक नया दोस्त उसे मिल जाता था। इससे भूषण भी खुश था कि उसे मतलबी दोस्त नहीं मिल रहे हैं। अगले दिन उसे फिर दूसरा दोस्त मिल जाता था। रोज की तरह वो जाकर उस रास्ते पर बैठ जाता और नए दोस्त को घर ले आता। अब जब एक दिन रोज की तरह वो उस पुल पर बैठा तो किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रहा था कि उसी समय उस राज्य का राजा तेल के सौदागर का भेस बनाकर अपने एक नौकर के साथ वहाँ पहुँचा। तो भूषण ने उन्हें पहले तो सलाम किया और फिर अपने घर आकर खाना खाने और रात बिताने की दावत भी दी। राजा ने भूषण की बात मान ली और भूषण के साथ उसके घर चले गए। जब राजा को ये पता चला कि ऐसे ही यह रोज एक नए मुसाफिर को अपने घर लाकर खाना खिलाता है और सुबह उसे विदा कर देता है, तो राजा ने सोचा कि इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। खाना खाने के बाद भूषण और सौदागर के भेस में बैठा हुआ राजा और उसकी माँ, तीनों और उसका नौकर बातें करने लगे। बातों बातों में राजा ने भूषण के हालात को मालूम करना चाहा। भूषण ने अपनी माँ की दी हुई नसीहत और धोखेबाज मित्रों की सारी कहानी राजा को बताई। राजा ने कहा, भूषण, ऐसे दोस्तों से तो मैं भी कभी बात नहीं करूं। रात काफी बीत चुकी थी। राजा ने भूषण से कहा कि भूषण, तुम भी आराम करो और हमें भी अपने काम पर सुबह निकलना है, मगर मेरी इच्छा है कि आपने हमारे लिए जो किया है उसका मैं कुछ बदला चुका दूं। भूषण ने कहा कि मुझे किसी चीज की चाहत नहीं है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, बल्कि मैं तो आपका एहसान मंद हूँ कि आपने मेरी दावत को एक बार स्वीकार कर लिया और मेरे पास आए। राजा ने कहा, भूषण, मुझे तो तुम्हारे साथ खाना खाकर बड़ी खुशी हुई है, भगवान करे तुम्हें और खुशियाँ मिले। माना कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है और कोई चीज नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी मैं आपका कोई भी काम हो तो मुझे बताइए, वह काम करने में मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं भी आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। भूषण ने कहा, मित्र, वैसे तो कोई खास काम नहीं है मेरा, पर मेरी एक दिली इच्छा है, मगर उस सिलसिले में आप कुछ नहीं कर सकते। तो राजा बने सौदागर ने पूछा कि क्या बात है, जरा अपनी दिली इच्छा मुझे भी बताओ। तो भूषण कहने लगा, हमारे यहाँ का जो प्रधान है ना, वो और उसके साथी बड़े बदतमीज है, सबको उन्होंने परेशान कर रखा है, लेकिन कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर भगवान मुझे एक दिन के लिए राजा बना दे तो मैं उसको ऐसी सजा दूं कि वो सात पीढ़ी याद रखें। राजा भूषण की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, भगवान करें कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। राजा ने मन ही मन सोचा कि जैसे भी हो, इसे तो मैं एक दिन का राजा बनाकर ही रहूंगा। ये सोचकर राजा ने बेहोशी की दवा को भूषण की नजर बचाकर पास ही रखे एक दूध के गिलास में मिला दी। फिर राजा ने झूठी जमाई लेकर दूध का गिलास उठाकर भूषण को दे दिया और कहा, ये लो भाई भूषण, तुम्हारा दूध, हमने तो अपना दूध पी लिया है, चलो अब रात बहुत हो गई है, सोने के लिए चलते हैं। भूषण ने दूध पिया और वहीं बेहोश हो गया। राजा ने अपने नौकर से कहा कि इसे उठाकर मेरे महल में जल्दी से जल्दी पहुंचा दो। नौकर ने सब काम कर दिया।
अब राजा ने भी महल जाकर अपने दूसरे नौकरों को हुक्म दिया कि उसके कपड़े उतार कर उसे राजा वाले कपड़े पहना दिए जाएं और राजा के बिस्तर पर ही लेटा दिया जाए। कल शाम तक भूषण को राजा समझकर उसकी इज्जत की जाए। उसके बाद राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, कल यह आदमी मेरी जगह दरबार में बैठेगा। इसके हुक्म का पालन ऐसे किया जाए जैसे मेरे हुक्म का पालन किया जाता है। सारे काम हर रोज की तरह किए जाएं। अब राजा ये सभी आदेश देकर अपने महल की ऐसी जगह में छुपकर बैठ गया जहां से वो भूषण की हर हरकत को देख सके। भूषण को शाही कपड़े पहनाकर राजा के बिस्तर पर लेटा दिया। सुबह हुई तो एक दासी ने भूषण को जगाया और कहा, महाराज सुबह हो गई है। भूषण ने आंखें खोली तो वो चौंक कर रह गया कि अचानक कौन मुझे जगाने आ गया है। वो तो अचंभित होकर इधर उधर देखने लगा, कभी अपने आप को, कभी उस सुंदर सी दासी को, तो कभी महल के सजे हुए उस कमरे को देख रहा था और यही सोच रहा था, मैं सपना देख रहा हूँ। वो फिर आंखें बंद करके लेट गया। उसे ये ख्याल आ रहा था कि रात को तेल के सौदागर से बातें करते समय राजा का जिक्र आया था, बस शायद वही सपना वह देख रहा है। जब भूषण ने दोबारा सोने के लिए आंखें बंद कर ली तो एक दासी ने फिर से उसे बड़ी तमीज से जगाते हुए कहा, राजा साहब यह आपका ध्यान लगाने का समय है। जब भूषण ने इतना सुना तो झट से उठ बैठा और सोचने लगा, क्या भगवान ने मुझे सच में राजा बना दिया है। इतने में एक लंबे कद काठी का रोबदार चेहरे वाला आदमी आकर भूषण से बोला, राजा साहब आप ठीक तो हैं? जल्दी कीजिए, दरबार का समय हो रहा है, तमाम लोग आपका दरबार में इंतजार कर रहे हैं। भूषण अब और भी हैरान हुआ और उस आदमी को बोला, तुम किससे बातें कर रहे हो। तो वो आदमी बोला, आपसे राजा साहब। भूषण ने कहा, देखो भाई तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं कोई राजा वाजा नहीं हूँ। वो आदमी बड़े अदब से बोला, ये कैसे हो सकता है महाराज कि मैं आपका गुलाम आपको भूल जाऊं? वो आदमी बोला, लगता है राजा साहब आपने आज कोई जो सपना देख लिया है। मैं तो आपका गुलाम हूँ, मैं आपको भला कैसे भूल सकता हूँ, बुरा सपना देखा होगा महाराज जरूर। भूषण ने फिर यह सुनकर एक दासी को अपने करीब आने को कहा कि तुम बताओ मैं कौन हूँ। दासी बोली, आप इस राज्य के राजा और हमारे मालिक हैं। भूषण की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। कल तक वह एक आम आदमी था और आज अचानक राजा कैसे बन गया। वह यही समझ रहा था कि उसके पास खड़े आदमी ने फिर उससे कहा कि महाराज दरबार में फरियादी पहुंचने वाले हैं, जल्दी चलिए। भूषण ने बिस्तर से उठकर पूरे महल को देखा, पूरे महल में सब राजा को सलाम करने का शोर लगा हुआ था। जिधर भी भूषण निकलता उधर ही सब झुककर उसे सलाम करते। भूषण फिर सबको सलाम का जवाब देता हुआ दो नौकरों के साथ दरबार में पहुंच गया और अपनी जगह जाकर बैठ गया। अब मंत्री ने लोगों की शिकायत को राजा के सामने पेश करना शुरू कर दिया, लेकिन भूषण ने सबसे पहले मंत्री को ये हुक्म दिया कि राजसी दरोगा को हाजिर किया जाए। दरोगा हाजिर हुआ तो भूषण ने अपने मोहल्ले का नाम बताकर कहा कि वहाँ के प्रधान और उसके साथियों का मुंह काला करके उन्हें शहर में घुमाओ और उन्हें ये कहकर बाहर निकाल दो कि यह उस बात की सजा है जो तुम मोहल्ले वालों को सताते हो। अब उसके हुक्म के अनुसार सब कुछ हुआ। अब भूषण ने हुक्म दिया कि उसी मोहल्ले में एक भूषण नाम का लड़का रहता है और उसकी माँ भी वहाँ पर रहती है।
उस लड़के की माँ को 1000 सोने के सिक्के पहुँचा दिए जाएं, अब ये काम भी भूषण के कहते ही करा दिया गया। भूषण ने फिर एक फरियादी की फरियाद सुनकर उसका फैसला किया और फिर उठकर महल में आ गया। अब भूषण को खाने की मेज पर ले जाया गया, जहां अनेक प्रकार के व्यंजन देखकर भूषण सोचने लगा कि चारों तरफ सुंदर सुंदर लजीज लजीज स्वादिष्ट भोजन रखे हुए थे। सुंदर सुंदर थालियों में परोसे गए सोने चांदी की थालियां थी। सुंदर सुंदर दासियां भोजन लगा रही थी और भूषण चारों तरफ से सुंदर दासियों से घिरा हुआ था। अब भूषण खाना खाने लगा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब हकीकत है। उसने फिर अपने आप को चुटकी काटी और मन में कहा, अरे मैं सच में राजा बन चुका हूँ। भूषण ने खाना खाते समय दासियों को अपने पास बिठाया और सबको अपने हाथों से उसने खाना खिलाया और सब दासियों के नाम पूछे। फिर भूषण को एक और कमरे में ले जाया गया, जो पहले से भी अधिक सुंदर और सजा हुआ था। भूषण वहां जाकर देखने लगा कि कितना बड़ा और कितना सुंदर कमरा है। उसने वहां बैठकर तकिया संभाला, फिर वहां पर सुंदर औरतों के द्वारा सुनाई जाने वाले संगीत और नृत्य को मस्त होकर वह सुनने लगा और देखने लगा। अब उन्हीं की मस्ती में मस्त हो गया। एक दासी ने राजा के इशारे के अनुसार एक जाम में बेहोशी की दवा मिला दी और भूषण के सामने पेश कर दी। अब भूषण एक ही घूंट में उस जाम को पी गया और बेहोश हो गया। अब राजा ने जल्दी से हुक्म दिया कि इसके पहने हुए कपड़े उतार कर इसके अपने खुद के कपड़े पहनाकर इसके घर भेज दिया जाए। अब जब सुबह भूषण की आंख खुली तो भूषण ने अपने आप को अपने उसी पुराने घर में पाया। उसने खूब आंखें मसली पर देखा तो कुछ समझ नहीं आया और दासियों के नाम लेकर भूषण उन्हें पुकारने लगा, मगर कोई भी उसके पास नहीं आया। आखिर उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ उसके पास आकर बोली, क्या हुआ बेटा भूषण, तुम कैसी बातें कर रहे हो? आज भूषण ने अपनी माँ को अपने सामने देखा तो बोला, तुम किसे अपना बेटा कह रही हो माँ? माँ बोली, अरे माँ को नहीं पहचानता बेटा, भूषण। तो भूषण बोला, खबरदार, इज्जत से पेश आओ। कौन भूषण? मैं तो इस राज्य का राजा हूँ। अब उसकी माँ परेशान हो गई। ये सुनकर वह सोचने लगी, शायद मेरा बेटा पागल हो चुका है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। वह अपने बेटे को समझाने लगी कि बेटा होश में आओ, ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारी बातें सुन ले और फिर हमारी शामत आ जाए। अब भूषण को होश आया और बोला, माँ क्या मैं सच में भूषण हूँ? माँ ने कहा, हाँ बेटा, तुम मेरे ही कुल भूषण हो और ये तुम्हारा ही घर है। और हाँ बेटा, ये बात तो सच है कि ये घर भी तुम्हारा है और मैं माँ भी तुम्हारी हूँ। भूषण बोला, हाँ माँ, ये तो हमारा पुराना घर है और तुम ही मेरी माँ हो। तब उसकी माँ कहने लगी, हाँ बेटा, ये तुम्हारा ही घर है और यही मैं तुम्हें समझा रही थी। तो भूषण बोला, मगर माँ मेरी समझ में नहीं आ रहा, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? तब उसकी माँ बोली, बेटा जरा सोच और सोचकर बोल, तू भला राजा कैसे हो सकता है? बेटा, भगवान उस राजा को लंबी उम्र दे जिसने कल हमारे मोहल्ले में जो प्रधान है ना, जिसने सबको सता रखा था, उन्हें पिटवाकर उनका मुंह काला करवाकर राजा ने उसे शहर से बाहर निकलवा दिया है और 1000 सोने के सिक्के मुझे भी भिजवाए बेटा। ये सुनकर भूषण को फिर दोबारा से गुस्सा आ गया, फिर बोला, मेरे सामने इज्जत से पेश आओ। मैंने ही दरोगा को हुक्म दिया था कि उन जालिमों को सजा दे और तुम्हें भी 1000 सोने के सिक्के भिजवाए। अपने बेटे की यह बातें सुनकर
उसकी माँ ने रोना पीटना शुरू कर दिया कि हे भगवान, मेरा बेटा तो पागल हो गया है। उसका शोर सुनकर पड़ोसी भी वहाँ आ गए और थोड़ी देर में ये खबर पूरे शहर में फैल गई। अब ये खबर दरोगा के पास पहुँची तो वो भी भूषण के घर आ पहुँचा। उसने भूषण को पागल समझकर पागल खाने भिजवा दिया। रास्ते में सिपाहियों ने भूषण की खूब पिटाई की, मगर अब भी वो अपने को राजा ही कह रहा था। जब वो अपने आप को देखता तो ख्याल आता कि वो भूषण है, मगर माँ की जो बातें सुनी थी तो उसे यकीन हो गया कि वो राजा है। खैर, इसी तरह भूषण को पागल खाने में रहते हुए 15 दिन गुजर गए। एक दिन उसकी माँ उससे मिलने गई तो बेटे की हालत पर रोने लगी। बेटा, अब भी तू यही समझता है कि तू राजा है? वह अपने बेटे से कहने लगी। अपनी माँ की बात सुनकर भूषण रोने लगा कि माँ, मुझे माफ कर दो, मैं भूषण ही हूँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मैं शायद पागल हो गया था। माँ ने पागल खाने के मुखिया से मिन्नतें करके अपने बेटे को घर ले जाने को लिए बोला तो उसने उस बूढ़ी माँ पर तरस खा के उसे छोड़ दिया। अब भूषण की माँ ने अपने बेटे को अच्छे से खिलाया पिलाया, उसका अच्छे से ख्याल रखा और भूषण अब पहले की तरह अपने काम में मन लगाने लगा। अब वो पहले की तरह अपने काम में लग गया और अपनी जिंदगी गुजारने लगा। अब उसका मन अपने काम में लग चुका था। वो फिर उसी पुल पर जाकर बैठने लगा और किसी अजनबी का इंतजार कर रहा था कि राजा भेष बदलकर अपने नौकरों के साथ वहाँ पहुँचे। भूषण ने जब उसे देखा तो अपना मुंह फेर लिया। राजा ने भी भूषण को पहचान लिया। वो उसके पास गया और उसे सलाम किया, मगर भूषण ने राजा को कोई जवाब नहीं दिया बल्कि मुंह मोड़ लिया और वह ऐसे बैठ गया जैसे उसने राजा को देखा ही ना हो। राजा ने कहा, अरे भूषण, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अच्छा लगता है तुम दोबारा मुझे अपने घर लेकर नहीं जाओगे, इसी कारण तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। भूषण ने राजा को टालने की खूब कोशिश की, मगर राजा ने उसे ये कहकर मना लिया कि पिछली बार से हमारे कारण तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची हो तो हम उसमें सुधार करेंगे। अब भूषण ने राजा को वो सब बातें बताई जो उसके ऊपर बीती थी। राजा को हंसी आ गई तो भूषण नाराज हो गया और बोला, बड़ा अफसोस है कि तुम मेरी दुख भरी कहानी सुनकर हंस रहे हो। भूषण नाराज हो गया और बोला, तुम कैसे मित्र हो जो मित्र के दुख पर हंस रहे हो? मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो देखो मेरे शरीर पर मार के निशान। राजा ने उसे देखा और बोला कि मित्र, हमें बड़ा अफसोस है कि तुम्हें ये तकलीफ पहुंची। अब तो जो होना था सो हो चुका मित्र, मैं उसकी भरपाई जरूर करूंगा। यही बातें करते करते सब भूषण के घर पहुंच गए। खाना खाते खाते बातें करते करते आधी रात बीत गई। सोते समय राजा के इशारे पर दूध में बेहोशी की दवा मिला दी गई और बड़े प्यार से उसे सोते समय राजा ने दूध को भूषण को पिला दिया। फिर राजा के हुक्म के मुताबिक भूषण को महल में पहुंचा दिया और खुद भी उसके घर का दरवाजा बंद करके महल में पहुंच गया। राजा ने हुक्म दिया कि भूषण को शाही पोशाक पहनाकर उसके कमरे में लेटा दिया जाए। जब वो सुबह उठे तो पहले की तरह उसके साथ बर्ताव किया जाए, उसके मान सम्मान में कोई कमी ना रहे। जब सुबह भूषण उठा तो महल में अपने आप को पाकर बड़ा हैरान हुआ। जो पहले उस पर गुजरी थी वो सब उसे अचानक से याद आ गई। भूषण कहने लगा, लगता है आज मैं फिर वही भयानक सपना देख रहा हूँ
जिसकी वजह से मुझे इतनी जिल्लत झेलनी पड़ी थी। यकीनन वही भयानक सपना देख रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे अब ये जिल्लत नहीं झेलनी, यहाँ का राजा शैतान है, लगता है फिर मेरे साथ वही होगा। ये कहकर भूषण ने अपनी आँखें बंद कर ली। दासियों ने उसे जगाने की कोशिश की, मगर भूषण कहने लगा, क्यों खामाखा किसी आदमी को राजा बना रही हो? दासिया बोली, राजा साहब, आपने बुरा सपना देखा है। भूषण ने कहा, तुम क्या जानो मैंने क्या क्या सहा है? दासी बोली, आप तो महल से बाहर नहीं गए, राजा साहब। इन बातों को सुनकर फिर भूषण सोच में पड़ गया, सच में मैं राजा ही हूँ क्या? मैंने मार खाई वह सच था या ये सच? पर्दे के पीछे छिपे राजा के इशारे पर वे सभी दासियां वहां पर नाचने और गाने लगी। भूषण से भी रहा नहीं गया तो भी वो भी उछलकर बैठ गया और उनके साथ नाचने गाने लगा। उसने इतनी धमा चौकड़ी मचाई और मस्त होकर शाही लिबास को फाड़ डाला। अब सारा नजारा राजा खुद देख रहा था। वो वहाँ आया और जोर जोर से हंसने लगा। भूषण ने राजा को पहचान लिया और कहा, अच्छा तो ये सब मेरे साथ जो हो रहा है उसकी असली जड़ आप ही हैं? राजा ने भूषण को गले लगाया और कहा, भूषण तुम दुखी ना हो, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका मुझे बड़ा अफसोस है, मगर अब तुम मेरे दरबार में रहोगे। राजा ने उसे एक अच्छा सा घर दिया, खर्च करने को रुपए दिए। कुछ समय बाद भूषण और रानी की एक खास दासी के साथ भूषण का विवाह भी करवा दिया। रानी ने भी अपनी दासी को इतना सामान दिया कि उसका घर भर गया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। उन्हें जो सामान राजा और रानी ने दिया था उन्होंने उस सामान को चंद दिनों में उड़ा दिया। अब उनकी हालत फिर से तंग हो गई और सोचा कि अब क्या किया जाए। रानी से कुछ मांगी तो भी शर्म आती है। फिर भूषण ने एक तरकीब सोची। उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम एक सफेद चादर ओढ़कर मुर्दा बनकर लेट जाओ, मैं राजा के पास कफन दफन के बहाने कुछ रुपए ले आऊंगा। उसकी बीवी ने ऐसे ही किया। भूषण रोता हुआ राजा के पास पहुंचा। राजा के पूछने पर भूषण ने बताया, महाराज उसके ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब मेरी बीवी मर गई है राजा साहब। राजा ने भूषण को तसल्ली जरूर दी और उससे कहा कि तुम्हें कोई भी जरूरत है तो बताओ, और जो भी जरूरत का सामान था राजा ने सब सामान भूषण को दे दिया और कुछ रुपए देकर कहा, जल्दी जाओ भूषण, पहले अपनी बीवी के कफन दफन का इंतजाम करो, मैं बाद में आता हूँ, कुछ काम है राज्य का उसे निपटा कर आता हूँ। अब भूषण सब लेकर घर आकर अपनी बीवी से बोला, अब मैं मुर्दा बनकर लेट जाता हूँ, तुम रानी के पास जाओ और तुम्हें भी कुछ माल मिल ही जाएगा। आराम से 3-4 महीने कट ही जाएंगे। अब भूषण की बीवी ने अपने पति को लेटाकर उसके ऊपर सफेद चादर उड़ा दी और रोती पीटती रानी के पास पहुंच गई। रानी ने अपनी चहेती दासी को इस हाल में देखा तो उसका कारण पूछा। दासी ने भूषण के मरने की खबर रानी को सुनाई। रानी ने अपनी दासी को तसल्ली देकर कफन दफन का जरूरी सामान और बहुत से रुपए देकर कहा कि मैं अभी आती हूँ, तुम कफन दफन का इंतजाम करो। दासी सामान लेकर घर आई तो दोनों खूब हंसे। अब इधर महल में राजा रानी जब शाम को आमने सामने हुए तो रानी अपनी दासी के पति के मरने का अफसोस करने लगी। राजा ने कहा, रानी तुम्हें गलत फहमी हो गई है, भूषण नहीं उसकी बीवी मर गई है। रानी ने कहा, मुझे गलत फहमी नहीं महाराज, आपको गलत फहमी हो गई है, भूषण मर गया है।
उसकी बीवी अभी मेरे पास आई थी और उसने कहा, मेरी किस्मत उजड़ गई है, मेरे पति की मौत हो गई है। वो बहुत ही रो रही थी, इसलिए मैं कैसे यकीन करूं कि उसका पति मर नहीं गया। उसका पति मर गया है, पत्नी नहीं, राजा साहब। तो राजा ने कहा, अरे मेरी मानो, मेरे पास खुद भूषण आया था महारानी, और अपनी बीवी के मरने की खबर मुझे वो देकर गया है। और वो बोली, नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें गलत फहमी है। और दोनों राजा रानी में बहस होने लगी, क्योंकि दोनों वही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। तब राजा ने किसी तीसरे आदमी को भूषण के घर भेजकर सच्चाई का पता लगवाना चाहा, तो उस तीसरे आदमी ने महल आकर राजा को बताया कि भूषण तो जीवित है, उसकी बीवी मर गई है। रानी ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानती। ऐसे ही दो तीन आदमी और भेजे गए, मगर सच्चाई का पता नहीं चल सका। अंत में राजा रानी ने स्वयं भूषण के घर जाने का निश्चय कर लिया। अब राजा रानी अपने नौकरों के साथ वहां पहुंचे, तो दोनों मियां बीवी चादर ओढ़कर लेटे हुए थे। क्योंकि उनको पहले से ही अंदेशा था, वे आंखें लगाए दरवाजे को ही देख रहे थे। राजा रानी को आता हुआ देखकर वो मुर्दा बनकर लेट गए थे, और दोनों पलंग पर लेटे हुए थे। राजा रानी ने दोनों को देखा तो अफसोस करने लगे, हे भगवान, दोनों ही एक दूसरे के गम को सहन नहीं कर सके और चल बसे। अब राजा मुर्दों के करीब बैठकर कहने लगा, अगर कोई मुझे बता दे कि इनमें पहले किसकी मौत हुई है, यानी कि पहले कौन मरा है, तो मैं उसे इनाम के तौर पर 500 सोने के सिक्के दे दूंगा। राजा की बात सुनकर भूषण उठकर बैठ गया और राजा के चरणों में गिरकर बोला, पहले 500 सोने के सिक्के दिलवाइए राजा साहब, फिर मैं बताऊंगा पहले कौन मरा। ये हाल देखकर उसकी बीवी ने भी चादर उतार फेंकी और रानी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी। उनकी इन हरकतों से सब हैरान हो गए। रानी तो डर भी गई कि मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। राजा ने फिर ये सब करने का कारण पूछा तो भूषण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमने हमारी तंगाली से परेशान होकर ये सब सांग रचाया था कि ऐसा स्वांग रचेंगे तो राजा हमारी कुछ मदद करेंगे। राजा पहले ही भूषण की साफ दिली पर मेहरबान था। राजा ने उसे फिर और अधिक धन दे दिया और ऐसी हरकतें ना करने का वचन लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।